हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? तो आपने देखा होगा टाइटल किस बारे में है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो सीट बेल्ट होता है, वो सीट बेल्ट आखिर किस तरीके से वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं आज। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो गाड़ी है। तो स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर जो सीट बेल्ट होते हैं और दूसरी गाड़ियों में जो सीट बेल्ट होते हैं, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं, जब आप देख रहे होंगे कि सीट बेल्ट जब आप एक झटके से लगाने चाहते हो तो मतलब वो नहीं लगता है, लॉक हो जाता है। तो वो लॉक किस तरीके से हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये वाइट कलर का जो पेच लगा हुआ होता है, ये लॉक का काम करता है। अब आपकी गाड़ी जो स्टेबल होती है, जब वो खड़ी होती है, तब ये जो ये सारा देख रहे हैं आप, ये वाला ये क्या करता है कि ये अभी ये गाड़ी स्थिर है तो ये जो सीट बेल्ट है वो खुलेगा। देख पा रहे हैं ना आप, ये खुलेगा, ये से खुलेगा। फिर जब आप गाड़ी को ब्रेक करते हो कि या फिर आपकी गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो आपके सीट बेल्ट लॉक हो जाता है। उसका कारण ये है कि ये छुरा जब आगे चला जाता है, ये छुरा जब आप ब्रेक करते हैं या फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तब ये छुरा, ये जो छुरा दिख रहा है वो आगे चला जाएगा और ये पुश कर देगा इसको ऊपर की साइड। देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे गियर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आके ये लॉक हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर ये आके लॉक हो जाता है। ये जो आप सफ़ेद कलर का ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये, तो ये यहाँ पर अंदर एक गियर जैसा लगा हुआ है, वहाँ पर आके स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाने के कारण क्या होगा कि ये क्लच जो अंदर लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर सा कोई दाता दिख रहा है आपको। ये जो क्लच दबाता है, ये छरा जब ऐसा हो जाता है तो फिर ये वाइट डंडी है जो गियर में फंस जाती है और यहाँ से क्लच होके ये लॉक हो जाता है, इसलिए सीट बेल्ट जो होता है वो लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है, तो अभी एक लॉक कंडीशन पर है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर ये खींचने पर नहीं हो रहा है, देखा दोस्तों? तो ये इसी तरीके से ये वर्क करता है, खींचने पर ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखा आपने? फिर आपकी गाड़ी स्टेबल हो जाएगी और ये जो नीचे छरा देख रहे हैं वो सेंटर में आ जाएगा, तो फिर ये वर्क करने लगेगा वापस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये मूव कर रहा है, यानी कि दोस्तों ये देखिए आप वर्क कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों जो सारा खेल होता है वो इस छरे के ऊपर होता है। छरा जो होता है, मतलब ये जो मूव करता है उसी कंडीशन पर ये, मतलब सीट बेल्ट जो होता है वो लॉक और अनलॉक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये छरे की जो मूवमेंट है उसी को ही ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि इसी तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है और दूसरी गाड़ियों में भी शायद इसी तरीके से ही इस जो मैकेनिज्म होता है उसी तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। तो सीट बेल्ट वो जो होता है वो सभी गाड़ी के अंदर इसी तरीके से मैकेनिज्म लगा रहेगा। और हमने यहाँ पर सर्विस कर रहे थे तो हमने इसको निकाला और फिर हमने सर्विस किया इसका, क्योंकि यहाँ पर ये जाम हो गया था, तो फिर हमने पूरा निकाला था। धूल यहाँ पर लग गई थी, तो यहाँ पर ये धूल मिट्टी लग जाती है तो ये मतलब काम नहीं करता है, लॉक हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है छरा, ये वापस नहीं आने के कारण लॉक हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है इसको, इस वीडियो को देख कर, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही नई वीडियो लाते रहेंगे, और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।